भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम का नागपुर में आगाज, बोले 2024 में ईवीएम पर चुनाव नहीं किए गए तो ईवीएम को तोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग को दिया गया इशारा, भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा रैली निकाली गई थी जो कल वर्धा से नागपुर पहुंची, जिसके बाद वामन मेश्राम ने सभा को संबोधित किया। ऐसी समझदारी उन लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए लोगों को जागृत करने का और जागे हुए लोगों को संगठित करने का और संगठित लोगों को उद्देश्य पूर्ति के लिए उसका उपयोग और प्रयोग करने का ये सारा काम नेतृत्व करने वाले लोगों का है। हमारी समस्या लोग हमें साथ देते नहीं है ये नहीं है, हमारी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है, नेतृत्व की समस्या है। अगर हमारे पास नेतृत्व होता है तो लोग समर्थन देते हैं, क्योंकि समर्थन अपने आप नहीं होता है, अपने आप नहीं मिलता है, समर्थन लेना पड़ता है। जिसकी जितनी औकात होती है उतना समर्थन ले सकता है, समर्थन अपने आप नहीं मिलता, समर्थन लेना पड़ता है और ये लेने वाले की औकात पर निर्भर करता है। इसलिए मैं इस काम के लिए कभी लोगों को दोष नहीं देता कि लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। आंदोलनों की सफलता नेतृत्व के ऊपर निर्भर होती है, नेतृत्व अगर सही है तो आंदोलन की सफलता होती है। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोग क्यों चला रहे हैं? आज 11 मार्च 2023 को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो 365 दिन की है और 21 फरवरी 2023 को मुंबई से शुरू हुई है, हमारे नागपुर में आज 11 मार्च 2023 को संविधान चौक में पहुंचने वाली है और थोड़ी देर के बाद में यहां से रैली के रूप में जाते हुए इंदौरा मैदान पर पहुंचेगी। वहां पर ईवीएम मशीन भंडाफोड़ यात्रा क्यों निकाली गई इसके बारे में माननीय वामन मेश्राम साहब विस्तार से जानकारी देंगे। और ये ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो है पिछले महीने 26 जनवरी 2023 को निकलने वाली थी और कन्याकुमारी से निकलने वाली थी, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन ने आगे काम ढकेलते गए और इन समय पर वो रैली को रोक लगा दी, जिसकी वजह से ये रैली 26 जनवरी को शुरू होने के बजाय ये अभी 21 फरवरी को शुरू हुई है। ये मुंबई में कल्याण से शुरुआत हुई है और प्रत्येक जिला होते हुए ये रैली निकल रही है और अभी आज ही सवेरे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वर्धा में ये रैली संपन्न हुई है। और इस रैली में तमाम सामाजिक संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं, राजनीतिक संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं और धार्मिक संगठन के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब हर तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी ईवीएम मशीन भंडाफोड़ यात्रा निकली है उसको हर प्रकार के लोग साथ और सहयोग कर रहे हैं और ऐसे हमें उम्मीद है कि इसी साल में इस ईवीएम मशीन का हम लोग बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं अनिल नागरे, बहुजन मुक्ति पार्टी शहर महासचिव।